सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। केसरिया बालम आओ सर, पिछले साल ना मतलब बहुत ही अच्छा माहौल था जहां पे हमारे अपने देश भारत का एक अपना ब्रांड माइक्रोमैक्स वापस आता है मार्केट में अपनी ब्रांड न्यू इन सीरीज के साथ में। काफी दोस्तों अच्छा बिल्कुल सीन रहा, लेकिन आज मैं सीन और अच्छा बनाने वाला हूं, बिकॉज फिलहाल मैं हूं माइक्रोमैक्स की फैक्ट्री में और यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है माइक्रोमैक्स की दुनिया में और कैसे सारी चीजें बन रही हैं और क्या है इन स्मार्टफोन्स की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, साथ में है मेरे राहुल। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। मुझे आज काफी अच्छा लग रहा है आगे, लेकिन आपने बहुत दिनों बाद एंट्री दी है, मतलब यहाँ पे कि आपने फोन लॉन्च कर दिया नवंबर में। अभी हम बात कर रहे हैं कि फैक्ट्री टूर हो जाए और फरवरी खत्म हो रही है जब हम बात कर रहे हैं। अरे गौरव, तुम्हारा भैया अपना घर है, अपनी फैक्ट्री है, जब मर्जी आओ। और मैं तो ये कहता हूँ कि खाली तुम्हारा ही नहीं, सारे भारतवासियों की ये फैक्ट्री है, जिसको जब आना है तब यहाँ पे आके देखे कि हम कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं क्या क्या यू नो प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो मोस्ट वेलकम। नहीं, मैंने तो मतलब देखा तो ये तो लगा कि हाँ भारतीयों की फैक्ट्री है, बिकॉज पहली बात तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल भिवाड़ी राजस्थान में बैठ के। दूसरी बात मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो आसपास जितने भी लोग हैं वो हमारे अपने लोग काम कर रहे हैं। देख के ये भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे काफ़ी स्टाफ फीमेल भी है और नो सब एकदम बराबरी से एक जगह पे आके और देश की मतलब नो ताकत और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन ब्रांड की और हम बात कर रहे हैं वो फोन्स की जो कि इंडिया में बनाए जा रहे हैं। इस पे लेके राहुल मैं एक बात पूछूंगा, मेरे मन में करो, अच्छा तो माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या वाकई में फ़ोन इंडिया में बन रहे हैं क्या? मतलब फिर हम सुनते तो हैं नो कि फ़ोन असेंबल्ड इन इंडिया, आप बोलते हो कि आप बात कर रहे हो फोन मेड इन इंडिया, डिफरेंस क्या है, आप एक्सप्लेन करोगे? मतलब ये देखिए, मतलब हाँ नहीं, ये आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा। सटीक इसलिए क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि यू नो इंटरनेट के ऊपर कई बार यूट्यूब में लोग बोलते हैं कि देखो फ़ोन इंडिया के अंदर असेंबल होते हैं, अरे आप सब लोग तो असेंबली करते हो। देखिए, फ़ोन जो यहाँ पे बनते हैं वो असेंबल नहीं होते हैं, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे SMT मशीन, मतलब PCBA के ऊपर ऐसे यू नो कंपोनेंट्स प्लेस किए जाते हैं, पूरा PCBA को पॉपुलेट किया जाता है। सेम प्रोसेस जो कि किसी दूसरी कंट्री में फॉलो, सपोज करो जो चाइना में जैसी फैक्ट्री है एग्जैक्टली सेम फैक्ट्रीज यहाँ पर हैं या किसी और कंट्री में है एग्जैक्टली सेम है, सारे के सारे फ़ोन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, असेंबल नहीं किए जाते। और ये मैं खाली अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ माइक्रोमैक्स के लिए, ये जो बाकी भी फैक्ट्री यहाँ पे लगी हुई है वो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंपटीशन भी हाँ, जो कंपटीशन है वो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर आप एज अ यू नो कंपनी साइड एक आम आदमी को इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे कि आखिर फोन बनाने का प्रोसेस क्या होता है, मतलब ये शुरू कहाँ से होती है चीज? देखिए, ये सब आप लोग बहुत दिखा चुके हैं दूसरे में, तो मैं बिल्कुल ना किसी को ना ज्ञान और ना बोर करना चाहूंगा, बड़ी सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा कि देखिए इसके अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक आपकी कैपेसिटी और दूसरी प्रिसीजन। प्रिसीजन जो है वो इसलिए क्योंकि आप कितने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फोन बना सकते हो, ठीक है ना, जितने हाई एंड फोन, जितने हाई एंड फोन है, सर्किट है, हाई एंड कंपोनेंट्स हैं। जी, तो मैं स्पीड बता देता हूँ। देखिए, हमने जो हम मशीन्स यूज करते हैं यहाँ पे, वे फूजी NXT मशीन्स यूज करते हैं, दीज आर वेरी वेरी हाई एंड मशीन्स। आपने दिखाया जो जहाँ पे कंपोनेंट माउंट, जो कंपोनेंट माउंट हो रहे हैं उसके अंदर उसकी कैपेसिटी है 750K पर आवर, 7,50,000 कंपोनेंट्स पर आवर वो मशीन करने, दैट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मशीन इन द कंट्री। ओके, मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनसे भी बेहतर मशीन है और सबसे बड़ी लाइन है। आपने आपकी अपनी आपने पूरी फ्यूचर प्रूफिंग कर ली है। नहीं, बिल्कुल। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एब्सोल्युटली बेस्ट। दूसरा, जो मैं प्रिसीजन की बात कर रहा हूँ, तो प्रिसीजन इन टर्म्स ऑफ ये जो पिक एंड प्लेस होती है, इसको जो प्लेसमेंट की जो इसकी जो प्रिसीजन है, दैट इज 0.01 माइक्रॉन mm। जितने हमारे ज्ञानी भाई बहन है आप कैलकुलेशन कर लेंगे कि मतलब इतना एकदम प्रिसाइजली वो कंपोनेंट को सही जगह पे माउंट कर सकते हैं। हाँ,
0.01 माइक्रोन एमएम, नॉट एमएम, समझ गया। सो दीज आर वेरी हाई एंड मशीन, मतलब जिसके ऊपर कोई भी वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट फोन इन पे बना सकते हो, तो इनको इस्तेमाल करके आपके इनके जो स्मार्टफोन्स हैं इन मशीन को यूज करके। अभी तो हम चाहेंगे कि फ्यूचर में इनके जो फोन्स हैं वो और बेहतर होते हुए, मतलब जो आपने मेरे को बताया था प्लान्स के बारे में, तो वो ये मशीन्स आपने उसके लिए पहले तैयार करके रखी हैं कि यहाँ पे वो सब बन सकता है। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ स्मार्टफोन में लगने वाले पार्ट्स की, तो वो तो बहुत सारे होते हैं। आई थिंक कम से कम मोटा मोटा भी गिनेंगे तो 50-55 पार्ट्स तो कम से कम निकलते हैं। अब उनकी सोर्सिंग को लेके अगर आप कुछ मतलब एक्सप्लेन करें कि भाई वो कौन सा कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, या मतलब उनके पीछे की कहानी क्या है। आज की तारीख में अगर आप देखो लोकलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो करीबन 60-70% लोकलाइज्ड जो कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको इंडिया के अंदर मिल जाते हैं जी। बट जो चीज़ आप इंडिया में मिलती नहीं है उसको, तो अब हम मतलब फाउंड्री है जैसे, अब वो फाउंड्री भाई मैं तो लगा नहीं सकता, जो फैब्रिकेशन लैब जो फैब जो है फैब्स हैं, तो जो कंपोनेंट जहाँ से आते हैं वो हमारे लिए नहीं, वो सारे ब्रांड्स के लिए वहीं से आते हैं, राइट। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हम लोग उस पहल में जुटे हुए हैं कि जितने भी अभी तक नहीं बनते उन सबको भी यहाँ पे लेकर आएँ और उन सबकी भी यहीं से लोकल सोर्सिंग हो, दैट इज़ द आइडिया। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम भी चलाया जिसको PMP प्रोग्राम बोलते हैं, फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। ओके, सो यू नो उसके अंतर्गत हम सब लोग काम कर रहे हैं। ये वही प्रोग्राम है जिसमें हम शायद पहले बात करते थे कि फॉर एग्जांपल केबल या चार्जर से शुरू करते हैं, हाँ, और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स आइटम्स की तरफ जाएंगे कि वो भी इंडिया में बने। तो केबल चार्जर तो खैर बहुत जमाना हो गया, सब कुछ होता जा रहा है। अब हम अब जैसे देखा है गवर्नमेंट ने इसकी ड्यूटी कर दी है डिस्प्ले के ऊपर और कैमरा मॉड्यूल के ऊपर। अच्छा, उसका आइडिया क्या है, उसका मतलब ये है कि अब डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल को भी इंडिया में लेकर आओ। आप एक अच्छा फोन बनाएंगे, इससे आपका फायदा, बहुत अच्छा फायदा, मेरा पर्सनल कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब आपकी कहानी बताते हैं ना कि ये देखो ये चार ये तीन ये मॉडल्स हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ, ये नई अभी आईडी आई है ये है, तो वो अंदर से ना एक इमोशनल कनेक्ट निकल के आता है। क्योंकि मेरे को लगता है कि यार मतलब ये ब्रांड एक दिन और बड़ा बनेगा, एक दिन ग्लोबल स्केल पे जाएगा, जहाँ पे हम बात करेंगे कि हाँ नो वर्ल्ड में ये टॉप ब्रांड्स हैं जहाँ पे माइक्रोमैक्स और इनका नाम शामिल है। तो वो आई थिंक वो जो इमोशनल कनेक्ट है ना, वो शायद सभी जो व्यूअर्स उनको भी काफ़ी पसंद आता है। नहीं नहीं बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सबको, देखिए माइक्रोमैक्स इसलिए वापस नहीं आया है कि हमारे अंदर पैशन है फ़ोन बनाने का, पैशन तो है ही है, इसीलिए वापस आया है क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टुवर्ड्स द नेशन, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी जी जी, राइट। सो पैशन के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम उसी तरीके से आना चाहते हैं ताकि कंज्यूमर को एक लेजिटिमेट ऑप्शन तो दे पाएँ। जी जी जी, उसके बाद आप यू नो बाकी सब दर्शकों के ऊपर कंज्यूमर के ऊपर है, जो पसंद करना चाहें जो उन्हें अच्छा लगे वो खरीदें। और हम तो बार बार ये कहते हैं कि क्योंकि हम इंडियन है हमें इसलिए मत खरीदो। आपके लॉन्च इवेंट में आपने प्रॉपर, अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सेफ एंड सिक्योर प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई ऐड नहीं मिलता है, आपका डेटा सुरक्षित है जी, आपको फीचर्स अच्छे मिलते हैं, आपको प्राइसिंग अच्छी मिलती है, तब चॉइस आपके हाथ में। फोन तो आपने बना लिया और काफी अच्छा बनाया है फॉर दैट मैटर, लेकिन बनने के बाद में या फिर आपको आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो उसकी यू नो रिलायबिलिटी के लिए आप क्या क्या जो है वो कदम उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जरा रिलायबिलिटी टेस्ट। आप हमारा रिलायबिलिटी लैब आ गई है कि रिलायबिलिटी लैब के अंदर हम क्या क्या जो टेस्ट हैं वो करते हैं। वो क्या चीज है रिलायबिलिटी लैब में घुसते हैं। हम सबसे पहले यही कि कस्टमर तक पहुँचने, हाँ, जब रास्ते में जो सामान जाता है उसमें कितनी वाइब्रेशन होती है, उसकी वाइब्रेशन की टेस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो कार्टन में आई थिंक 10 और आपका कितना 10 ये 20 हो गए, 20 पीस फोन पड़े हैं। तो ये अगर ट्रक में जा रहे हैं या किसी भी तरह से व्हीकल में जा रहे हैं, या आपने फॉर दैट मैटर ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया और आपके घर तक माल पहुंचा रहे हैं फ्लिपकार्ट, तो वो आप तक सही सलामत पहुंच जाए, वो कैसे ये एंश्योर होता है यहाँ पे कि हाँ जो पैकेजिंग है जो नो उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये देख मैं यही बताना चाह रहा हूँ, छोटी चीज़ को ध्यान में रखते हैं, मतलब ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ट्रक के अंदर कितनी वाइब्रेशन होंगी क्या वो सब सिमुलेट करके उस एनवायरनमेंट को वो देखने में अपने आप में वो लग रहा है। ये केबल आपने इंसर्ट करनी होती है चार्जिंग की जी, 10,000 टाइम्स इंसर्ट इन एंड आउट 10,000 टाइम्स। ओके, ये सारी की सारी टेस्टिंग यहां पे होती है। साथ में इसमें हेडफोन जैक का भी टेस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल। बिल्कुल बिल्कुल, ये ना केबल से याद है, वैसे जो मेरा नेफ्यू है ना वो जब भी मैं उसको बोलता हूँ कि यार फोन मेरा चार्ज में पड़ा है, वो चार्ज से निकाल के लेके आ जा, ये चार्ज में लगा देना, तो मेरे दिमाग में हमेशा होता है कि यार वो पता नहीं ठीक से लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लेकिन अगर इतनी टेस्टिंग होती है तो मालूम है कि हाँ खराब नहीं होगा। हाँ, तो ये देखिए हर छोटी से छोटी चीज़ों को, जैसे मैं आपको ये वाली ये टेस्टिंग दिखाता हूँ, टच जो टच पैनल की है, अगेन 10,000 टाइम्स इसके ऊपर ये टच होता है, कीपैड टेस्ट हो रहा है, स्वाइप स्वाइप हो रहा है, विद वेट हो रहा है ये। हाँ, ये देखिए 250 ग्राम्स का वेट है ये जो वेट है, ताकि मतलब कोई अगर यूजर ज़्यादा वेट से करता है तो इफेक्ट तो नहीं पड़ता है। ये उन दोस्तों के लिए जो कि बैक पॉकेट के अंदर अपना फोन रखते हैं
और फिर अपनी तशरीफ की भी रख देते हैं राइट तो इसके अंदर भी वेट डाला हुआ है इसके अंदर वेट डाला है इसके अंदर 10 से 12 न्यूटन का जो है फोर्स लग रहा है और वो एक पॉइंट पे लग रहा है कि भाई फोन बेंड नहीं होगा और इसको भी आप मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल अगेन दिस इज यू नो दिस आर ड्रॉप टेस्ट ये अभी माइक्रो ड्रॉप्स होते हैं हाँ इसके अंदर माइक्रो ड्रॉप्स होते हैं और ये फोन कैसे उठा उठा के बेसिकली ऐसे मशीन जो है वो अपने आप गिराते रहते करेक्ट आगे ना ये चीज मेरे को बड़ी दूर मतलब कि ये कोई स्पेशल चीज है और ये है दिस इज अ रेन टेस्ट चैम्बर के बारिश के अंदर आप मैं खोल के दिखाता हूँ इसको हाँ ओके तो अंदर एक्चुअल में फोन रखे और एक्चुअल में अंदर मतलब बारिश को सिमुलेट कर रहे हैं बारिश को सिमुलेट कर रहे हैं सो हर एंगल से इसके अंदर पानी डाला जाता है और ये टेस्टिंग होती है ये मशीन में क्या कर रहे हैं यहाँ पे राहुल दिस इज अगेन रिलायबिलिटी चैम्बर इसके अंदर टेम्परेचर जो होता है अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे -40 से लेके +85 तक मशीन की कैपेसिटी है 180 तक है अभी करंट 55 डिग्री अंदर है -40 से लेके 85 डिग्रीज तक इसके अंदर टेस्टिंग होती है एक्सट्रीम ठंडा या एक्सट्रीम गर्मी एब्सोल्युटली और उसमें फोन ऑपरेशनल भी रहे पर देखिए भारत जो देश है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ प्रदेश हैं जी लद्दाख से लेके अगर आप केरला तक जाएं टेम्परेचर बिल्कुल अलग है तो सारे टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए आपका फोन हर एक कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है यहाँ पे हम कर रहे हैं बात ये है सॉल्ट स्प्रे है दिस इज अ सॉल्ट स्प्रे चैम्बर इसके अंदर अगेन मॉइस्चर जो है जो उस तरीके के शहर है मैंने मशीन खराब तो नहीं कर दी भाई खुल जा सिम ओहो सो मॉइस्चर की टेस्टिंग इसके अंदर होती है सॉल्ट स्मेल फील कर रहे हैं जो कि करोजन के लिए बेसिकली आपका जो चार्जर या केबल तो बेसिकली जितने भी टॉपिकल एरिया जहां पे ज्यादा है फोन पे साथ में वाइब्रेशन भी हो रहा है ताकि वो हिल भी रहा है 48 मिनट से फोन अंदर है यार ओके मैं बंद देता हूँ तो पता ही पता चला कि मैं फैक्ट्री टूर पे आया था और 2000 आपके जो है वो यहाँ पे हम आगे सैंड एंड डस्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं ये सैंड डस्ट इसके अंदर टेस्टिंग को ये ओपन नहीं कर सकता क्योंकि इसका प्रोसेस चल रहा है अभी अंदर से ये बेसिकली अगेन कि आप किस माहौल में फोन को यूज करें तो फोन सर्वाइव कितने लंबे समय तक मतलब तो देखिए मुंबई केरला से लेके मॉइस्चर से लेके सैंड मतलब हम थोड़ा राजस्थान में चले जाते हैं राइट ये जो चीज है ना ये मुझे लगता है बड़ा ही एक सही चीज है इसको हम देखेंगे दोस्तों ये जो है ना ये है ड्रॉप करने के लिए तो आपको मतलब क्या आपको यकीन है कि आपका फोन नहीं टूटेगा मेरे भाई हमारे यकीन से क्या होता है करके देख लेते हैं सो ये सारे फोन्स के अंदर इसकी टेस्टिंग होती है राइट एंड इसकी हाइट जो रखते हैं हम 1 मीटर 1.2 मीटर मतलब 0.8 से लेकर 1.28 मीटर अलग-अलग प्रोडक्ट्स पे एब्सोल्युटली तो ये एक बार ट्राई करते हैं और फिर आई थिंक रिलायबिलिटी के नाम पे तो यार फुल मार्क्स है यहाँ पे और भी क्या टेस्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन मेरे को लगा कि मैं वो देखता हूँ जहाँ पे कुछ कुछ हरकत दिख रही है हमको एक बार ये ट्राई करते हैं फाइनली मोमेंट ऑफ ट्रुथ आ चुका है यहाँ पे हमने फोन को सेट कर दिया 1 मीटर की हाइट पे राहुल ने क्लेम ये किया है कि ये फोन को अलग अलग हाइट पे अलग अलग एंगल्स पे ड्रॉप करके ट्राई करते हैं तो चलो बटन दबाते हैं फोन गिरेगा नहीं नहीं ये तो फोन जो है वो जिंदा हालत में है और फोन बिल्कुल सही है इसमें जैसे गौरव बता रहा था एक साइड से नहीं है हम 6 साइड से इसको टेस्ट करते हैं ऑल 6 साइड्स यू नो मतलब फेस बैक एंगल ओके एब्सोल्युटली और नीचे बाय द वे दिखाऊं तो ये ग्रेनाइट का मेरे को दिख रहा है yes. ये फोन आया फोन को हमने लगाया मैं ज्यादा तो नहीं कर रहा नहीं ठीक है नहीं आपको लगा क्या बात है यार फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं बिकॉज अगेन जो दर्शक हैं वो सब अभी तो आप एक फोन लेके आ चुके हैं एक बार तो तुम ये चीज बगैर पूछे मानोगे तो वो नहीं बिल्कुल नहीं तो देखिए फ्यूचर के लिए जैसे अभी जो काम चल रहा है जी काफी फोन अभी आने वाले हैं जी तो आप मान के चलो कि अगले क्वार्टर में हमारी लाइनअप जो है वो काफी बड़ी हो जाएगी ओके और मुझे मालूम है कि मैं भी कमेंट्स पढ़ता हूँ सब लोगों के तो काफी लोग पूछ रहे हैं कि 5G पे काम चल रहा है नहीं चल रहा है तो बताना चाहूंगा कि 5G पे काम शुरू है काम चल रहा है लोग जुटे हुए हैं और 5G भी एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा मैं कंफर्म कर देता हूं कि मैंने 5G वाला फोन देख लिया है अब आप बताएं आगे नहीं उस पे काम चल रहा है अभी काम चल रहा है बट उसके उससे हाँ उससे पहले भी काफी फोन आने हैं तो ऐसा नहीं है कि अब हम कुछ भी नया अनाउंसमेंट करें तो लोग सोचे कि हाँ ये 5G आने वाला है 5G भी आएगा आई थिंक जितना आपके प्लान्स हैं और बहुत जल्दी कुछ और बेहतर ऐसा शायद हाँ तो अगर हम कनेक्टेड डिवाइस के बारे में और बात करें तो कुछ लास्ट टाइम मैंने हिंट दिया था कि कुछ यू नो वी आर वर्किंग ऑन समथिंग सुनने सुनाने वाले प्रोडक्ट्स अभी तो खुल के बोल सकते हैं ना हाँ तो अभी तो हम अपने TWS के ऊपर काम चल रहा है बट एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो TWS आएंगे वो सबसे
बेहतरीन इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ देयर लुक्स, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। तो कान में आपने पहना है तो ये न सिर्फ ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए, ये लुक्स के लिए बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, यू नो बिकॉज इट यू नो यू आर वेयरिंग ऑन योर बॉडी, एक्सेसरी है यार, इट हैज टू लुक गुड। जी जी जी, तो वो काम चल रहा है अब। तो मैं दो चार बातें आपके मुँह से और छीन लूँगा, 5G हो गया, फिर कुछ गेमिंग सेंट्रिक और आपका शायद प्लान्स हैं? आज के लिए इतना ही कर देते हैं, बट हाँ काम चल रहा है उन सब चीज़ों के ऊपर। चलिए हाँ, तो दोस्तों ये था फिलहाल की वीडियो में, और बाय द वे जब तक मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि ये डब्बा बिल्कुल पैक हो रहा है, इनकी टेप लग चुकी है, और यही था जो वो ट्रक वाला सीन जाके जहाँ पे आप तक पहुँचेगा। तो माल जो है वो बहुत ही तेज़ी से बनता जा रहा है यहाँ पे फैक्ट्रीज में। राहुल एक चीज़ आप बताना, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे, मैं ना बहुत ब्रांड्स की बहुत फैक्ट्रीज में गया हूँ पहले, और काफ़ी अच्छा लगता है देखिए कि हाँ भाई चलो फैक्ट्रीज हैं, काम चल रहा है, बट बाद में फिर मालूम चलता है कि यार ये तो उस कंपनी की फैक्ट्री थी ही नहीं, ये तो कोई थर्ड कंपनी थी जो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। तो यहाँ पे अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, प्रमाइसिस की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब कोई तीसरी कंपनी आपके लिए बना रही है या बनवा रहे हैं, या मतलब ये क्या सीन है? अगेन बहुत सटीक सवाल। सो हम ही पहली कंपनी थे जिन्होंने मेक इन इंडिया आने से पहले मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी इस देश में। जो भी आप फैक्ट्री देख रहे हैं, और ये हमारी अपनी फैक्ट्री, हम किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स नहीं करते हैं जैसे कि बाकी ब्रांड्स करते हैं। अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट अपनी है, और ऐसी हमारे पास ये 3 फैक्ट्रियाँ हैं और सारी हमारी अपनी फैक्ट्री है, रुद्रपुर और तेलंगाना, राइट? सो कम्प्लीटली एज ए सेड, दिस होल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज थ्रू अस, वी आर, दिस इज नो थर्ड पार्टी। क्या बात है। तो यार इसी नोट पे आई थिंक हम वीडियो को एंड करेंगे, बिकॉज बहुत अच्छा लगा, काफ़ी यू नो ज्ञानवर्धक वीडियो बन गया है सबके लिए, जहाँ पे भरपूर यू नो ज्ञान की बातें भरी हुई हैं, मोबाइल फ़ोन से जुड़ी हुई माइक्रोमैक्स इन सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है, राहुल की तरफ से आपने और कुछ बातें जानी ली हैं। तो दैट्स इट, आई थिंक मैं अलविदा चाहता हूँ, और जल्दी दोबारा मौका मिलता है जब आप कुछ और नया बनाएंगे तो वो कैसे बनाते हैं, वो टेस्टिंग कैसे करते हैं, वो भी हम जरूर देखेंगे। थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ, यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, और मैं अपने परिवार को बहुत अच्छे से टाइम दे पाती हूँ इस कंपनी के जरिए। इस कंपनी में काम करके मुझे एक प्राउड सा फील होता है, बिकॉज एक्चुअली दिस इज माइक्रोमैक्स, सो एज अ इंडियन ब्रांड तो मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है। मेरी हमेशा से ही तमन्ना थी कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ, और क्योंकि माइक्रोमैक्स एक इंडियन ओरिजिनेटेड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैं यहाँ पे काम करते हुए बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि बदल रहा है भारत, बदल कर हम भी दिखाएंगे, विदेशी मोबाइल बहुत चलाए, अब इंडियन माइक्रोमैक्स का चलाएंगे। दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। सारे जहां।